सो दोस्तों, डिलॉइट ने एक बहुत तगड़ी ऑफ कैंपस हायरिंग अपॉर्चुनिटी लाई है फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए। ये बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए वाले के लिए तो है ही, पर इसी के साथ साथ बीएससी और बीसीए स्टूडेंट्स के लिए भी है। अगर आप टियर 3 कॉलेज से हो, कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं आती और ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, तो ये बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको बिल्कुल मिस आउट नहीं करना चाहिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज इस वीडियो में मैं आपको डिलॉइट की हायरिंग अपॉर्चुनिटी को कम्प्लीटली डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो, ये अपॉर्चुनिटी दो लोगों के लिए, बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए वालों के लिए है, उसी के साथ साथ बीसीए और बीएससी वालों के लिए भी है। इस वीडियो को मैंने चार टुकड़ों में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा कि कौन एलिजिबल है, क्या क्या क्राइटेरिया भैया आप दे सकते हो कि नहीं दे सकते इसका एग्जाम्स। सेकंड, मैं आपको इसका कंप्लीट हायरिंग प्रोसेस बताने वाला हूँ कि पहले क्या होगा, उसके बाद क्या राउंड होगा, उसके बाद क्या होगा। थर्ड, ना इसका जो ऑनलाइन असेसमेंट होने वाला है, जो आपका टेस्ट होने वाला है, उसकी डिटेल बताऊंगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कौन से क्वेश्चन कौन से टाइप से आएंगे, वो सारी चीज़ें। फोर्थ, मैं आपको इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताऊंगा। तो देखो, आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, रिसेंटली मैंने एसेंचर की भी हायरिंग प्रोसेस के बारे में लाया था, अपॉर्चुनिटी के बारे में लाया था, और अभी मैं आपके लिए डिलॉइट के भी लेके आ रहा हूँ। टाइम ऐसा चल रहा है ना कि बहुत कम हायरिंग हो रही है ऑन कैंपस ऑफ कैंपस, तो आपको एक पर्टिकुलर चैनल ऐसा मिल रहा है जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ ढूंढ के ला रहा है। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, फटफट सब्सक्राइब करो। और साथ में हमारी टेलीग्राम जो ग्रुप है LMT जॉब अपडेट, जहाँ पे हम रोज़ जॉब अपडेट डालते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज शेयर करते हैं, उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो रोल रहेंगे वो हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स वालों को कवर करेंगे। यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताने वाला था, पहला सेक्शन क्या था अपना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके पहले मैं आपको रोल के बताने बताता हूँ। एनालिस्ट ट्रेनिंग का रोल है भैया, यहाँ पे आपको कोडिंग भी करा सकते हैं, डेवलपमेंट भी करा सकते हैं, या फिर टेस्टिंग भी करा सकते हैं। ये एंट्री लेवल जॉब होती है, क्लियर है। आपको एक पर्टिकुलर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके अलावा उसके बेसिस पे जैसे है जो जगह पे खाली है वहाँ पे आपको पुट आउट किया जाएगा। इतना क्लियर है, ठीक है। सुमेर भाई, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, चलो बता दे। बेसिकली है क्या, आपको देखो 2024 के पास आउट होने वालों को ये सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब आप फाइनल ईयर में स्टूडेंट होने चाहिए, क्योंकि मई में अपन पास आउट होंगे। तो 2024 में जो भी फाइनल ईयर स्टूडेंट है, 2024 में पास आउट होने वाले हैं, वो सब इनके लिए एलिजिबल है। आपका एग्रीगेट 60% होना चाहिए या फिर 6.5 CGPA होना चाहिए। इतना क्लियर है, हाँ सुमेर भाई। कौन सी डिग्री से, कंप्यूटर साइंस से हो या फिर उसके सिमिलर डिग्री, जैसे AIDS हो गया, AIML हो गया, डेटा साइंस हो गया, तो आप एलिजिबल हो, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो तो आप एलिजिबल हो, या फिर कोई भी सर्किट ब्रांच से हो तो आप एलिजिबल हो। MEMTECH का भी वही सीन है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस से या फिर उसके अलाइन कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हो तो एलिजिबल हो, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो एलिजिबल हो। MCA स्टूडेंट्स एलिजिबल है। इनका बेसिक सा क्राइटेरिया है कि पिछले 6 महीनों में आपने डिलॉइट की कंपनी में अप्लाई नहीं किया रहना चाहिए, दैट्स इट। ये इसका बहुत बेसिक सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब सीधा देखते हैं इसका ऑनलाइन सिलेक्शन प्रोसेस के किस तरह से इसका प्रोसेस क्या होने वाला है, जो वो भी बताए तो इनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो टोटल 5 स्टेजेस में होने वाला है। कितने स्टेजेस में होने वाला है, 5 स्टेज। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन होगा कि आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टिंग देखो दो चीज़ों पर होगी, क्योंकि अभी का अभी रजिस्ट्रेशन में तो कोई टेस्ट नहीं है ना, तो दो चीज़ों पर होगी। सबसे पहले तो आपका क्राइटेरिया का 60% मैच कर रहा है कि नहीं, वो सारी चीज़ें देखी जाएगी, आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो कि नहीं। पर उसी के साथ साथ जिस तरह से आप अपना रेज्यूमे अपलोड करते हो और अपनी जो फॉर्म भरते हो उसमें बहुत ध्यान से फॉर्म भरना है, किसी का उठा के कॉपी कर लिया, मुंह उठा के फॉर्म भर लिया, देखा ही नहीं, प्रॉपर रेज्यूमे ही अपलोड नहीं किया, ATS फ्रेंडली रेज्यूमे नहीं है। क्या करते हैं लोग, सिर्फ ऐसे ही रेज्यूमे डालते नहीं, इनके जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के अकॉर्डिंग रेज्यूमे बना के पुट आउट करो, इमेज फॉर्मेट में रेज्यूमे मत डालो, वो स्कैन ही नहीं करता, क्योंकि ये लोग मशीन है भाई, वो चेकआउट करती है। पर्टिकुलरली यार कितने लोग इसमें अप्लाई करेंगे, तो वैसे नहीं अप्लाई करना है। क्या करना है, पर्टिकुलरली PDF या फिर डॉक फॉर्मेट में रेज्यूमे डालना है, तो वहाँ से आपका शॉर्ट लिस्टिंग होने का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। फिर होगा एक ऑनलाइन असेसमेंट भैया, टोटल मतलब अगर आप इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हो तो 65 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, कोडिंग के क्वेश्चंस और साथ में होंगे, आप समझ रहे हो। तो एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा जैसे बाकी कंपनीज का होता है, फिर होगा ऑनलाइन इंटरव्यू और फिर होगा फाइनल रिजल्ट। तो ये अपने 5 स्टेजेस में इसके होने वाले हैं। कुछ चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए वो क्या क्या है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो बताया गया है वो है कि आपको डूज एंड डोंट पढ़ लेना है, हाउ टू क्रिएट अ ग्रेट रिज्यूमे वाला चीज़ पढ़ लेना है। क्यों, क्योंकि भैया वही तो बता रहा हूँ कि रिज्यूमे, इन्होंने देखो बहुत अच्छे से चीज़ें दी गई है कि आपका रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, समझ रहे हो, बहुत अच्छे से इन्होंने डिटेल में दिया गया है कि कैसा होना चाहिए, कौन से फॉर्मेट में आपका रिज्यूमे, वो सारी चीज़ें इन्होंने बताई गई हैं। और हमेशा अपना कौन सा रिज्यूमे कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, डॉक, मैक्सिमम डॉक की रखो या फिर PDF, इमेज विमेज मत भेजना भैया। और उसी के साथ साथ अब आ जाते हैं इनके ऑनलाइन असेसमेंट वाली चीज़ों पे।
क्या सुमेर भाई, चलो ये समझ गया कि शॉर्ट लिस्टिंग रजिस्ट्रेशन कर लिया, शॉर्ट लिस्टिंग समझ गया, अब आ जाते कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में क्या पूछने वाले, तो सुमेर भाई वो भी बता देता है। देखो टोटल ना 90 मिनट्स मिलेंगे आपको टोटल, और दो सेक्शंस में चीज़ें होने वाली हैं। एक आपका एमसीक्यूज और उस तरह से होगा, एक होगा दो कोडिंग क्वेश्चंस आएंगे। एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स वो सब क्या क्या आने वाला है, टोटल 65 क्वेश्चंस रहेंगे और दो कोडिंग क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सारे एमसीक्यूज फॉर्मेट में होंगे और दो कोडिंग क्वेश्चन लाइव प्रोग्रामिंग आपको करनी पड़ेगी। टोटल पाँच सेक्शन में ये चीज़ें डिवाइडेड है। पाँच सेक्शन बोलो तो लैंग्वेज बोलो तो इंग्लिश, उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड जिसमें रीजनिंग और कॉन्स आता है, उसके बाद टेक्निकल स्किल्स मतलब जो एमसीक्यूज हैं, और टोटल टेक्निकल स्किल्स है वो है कोडिंग। उप्स सॉरी, तो पांच बोले तो जनरल एप्टीट्यूड में रीजनिंग और अकाउंट्स को मिला दिया है, तब ये पांच चीज़ें होती हैं। इतना क्लियर है? मैं आपको बेसिक सी चीज़ बता देता हूँ टेस्ट का फॉर्मेट क्या होने वाला है। कि समझो आप इंग्लिश में हो और आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा, अगर उस टाइम में आपने कंप्लीट किया तो सेम ना फटाक से आपको दूसरे सेक्शन में डाल दिया जाएगा, आप सेक्शन स्विच नहीं कर सकते। तो टाइम की बहुत कमी रहेगी, फटफट सॉल्व करना आना चाहिए, तो ही आप इसको क्रैक कर पाओगे। इतना क्लियर है? इंग्लिश में बेसिक सी ग्रामर होगा, 10 एमसीक्यूज होंगे, 3 फिल इन द ब्लैंक्स होगा। जनरल एप्टीट्यूड में 12 रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 कॉन्स के पूछे जाएंगे। टेक्निकल स्किल्स में 30 एमसीक्यूज आने वाले हैं। किस पे आने वाले हैं? टेस्टिंग पे, कंप्यूटर साइंस पे, नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी पे, क्लाउड पे, तो ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। कोडिंग में तो आपको बेसिकली जो अपने TCS में जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं उसी तरह से यहाँ पे भी आएंगे। दो कोडिंग क्वेश्चन होंगे, एक ईजी होगा, एक थोड़ा सा हार्ड लेवल का होगा। प्रोग्रामिंग आप C++, C#, जावा, पाइथन, इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो। इतना क्लियर है? तो ये पूरा ऑनलाइन असेसमेंट तुम्हारे भाई ने बता लिया, पर अब सवाल आता है कि सुमेर भाई इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, आप समझ रहे हो? तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ जुगाड़। तो सबसे पहले तो ना इसके लिए आपको एक डिटेल सिलेबस की ज़रूरत पड़ेगी। कैसा बता दिया, इंग्लिश के इतने आएंगे, तो एक डिटेल सिलेबस अगर आपको चाहिए तो मैंने डिलॉयट के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या टॉपिक इसमें आने वाला एक कंप्लीट PDF बनाया है। आपको सिंपल सा क्या करना है, नीचे कमेंट करना है आई वॉन्ट PDF। जैसे ही 100 कमेंट आ जाएंगे मैं अपने टेलीग्राम कम्युनिटी का जो ग्रुप है उसमें PDF डाल दूंगा भाई, पर मेरे को 100 कमेंट चाहिए। और आप हमारा LMT जॉब अपडेट का टेलीग्राम ग्रुप अब तक नहीं ज्वाइन किए तो भाई वहाँ पे रोज़ जॉब अपडेट भी आ रही है और वहाँ पे PDF भी शेयर होगा। तो पहली चीज़ तो ये। तो अगर आप सारे को सुमेर भाई मेरे को ना सिर्फ PDF नहीं चाहिए, मेरे को सारी रिसोर्सेज एक जगह चाहिए कि ताकि मैं TCS की भी प्रिपेयर कर सकूँ, ताकि मैं डिलॉयट की भी प्रिपेयर कर सकूँ, एसेंचर का भी प्रिपेरेशन कर सकूँ, क्योंकि मेरे को कंपनी क्रैक करनी है। तो लास्ट मोमेंट ट्यूशन ने लिए आपके लिए क्या लाया है, कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपेरेशन कोर्स। इसमें मैंने क्या किया भाई, सबसे पहले ना एकदम एप्टीट्यूड के वीडियोस ला लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं यार किताब से पढ़ोगे, वीडियो से कॉन्सेप्ट समझो, ट्रिक समझो टॉप। उसके बाद हमने दिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम नोट्स, वो करो, फिर मॉक टेस्ट दे दो अकॉर्डिंग टू द जॉब्स। यही बेस्ट तरीका है। इसी के साथ साथ हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी वीडियोस उसमें डाल दिए हैं, कोडिंग के जो टेस्ट होते हैं उसके भी सारे हमने नोट्स डाल दिए हैं, और टेक्निकल इंटरव्यू किस तरह से क्रैक करना है जब आपका इंटरव्यू होगा उसके भी वीडियोस डाल दिए, HR इंटरव्यू को किस तरह से क्रैक करना है, मतलब एक कंप्लीट पैक, वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप कह सकते हो तो ये है। आपको जाके ये जरूर चेकआउट करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कंप्लीटली अफोर्डेबल है, आप आराम से इसको ले सकते हो। इतना क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखते हैं। ओके भैया, तो आ जाते सीधा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, तो चलो वो भी बता देता हूँ। सिंपल सा रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। देखो ये अगर आपको अभी का अभी कभी कभी रजिस्टर नहीं होता ना तो थोड़ा रात को करने का, तब क्या ट्रैफिक थोड़ा कम रहता है। आपको क्लिक करना है आई एम नॉट अ रोबोट और नेक्स्ट पे जाना है। 2 मिनट रुकोगे तो आ जाएगा। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। सबसे पहले फर्स्ट नेम डाल दो, मिडिल नेम डाल दो, लास्ट नेम डाल दो, वापस फर्स्ट नेम पूछ रहा है वापस डाल दो भैया, फुल नेम डाल दो, ईमेल एड्रेस डाल दो, अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस अगर एक्स्ट्रा है तो डालो, मोबाइल नंबर एक्स्ट्रा है पहले ये वाला डाल दो, फिर एक्स्ट्रा है तो डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो, जेंडर डाल दो, पर्सनल डिटेल्स डाल दो, एड्रेस वेड्रेस हो गया, एजुकेशन डाल दो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो है, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आपने BE, BTech, BCA किया है, BSc किया है तो आप अंडर ग्रेजुएट में आते हो। पोस्ट ग्रेजुएट क्या होता है, MCA किया है, MTech किया है तो वो पोस्ट ग्रेजुएट होता है। इतना क्लियर है? एजुकेशन डिटेल यहाँ पे रोल नंबर मांग रहा है। सुमेर भाई क्या रोल नंबर, मेरा जो वाइवा में रोल नंबर रहता है रोल नंबर 1, 2, 5, 15, नहीं वो नहीं डालना है। जब आप किसी कॉलेज में एनरोल करते हो, रजिस्टर करते हो, तो आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है जो आपके रिजल्ट में आपको मिल जाएगा, या फिर आप अपने कॉलेज से पूछ सकते हो कि मेरा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, रोल नंबर क्या है, तो आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी है, आप अपने रिजल्ट में देख सकते हो या फिर कॉलेज से पूछ सकते हो तो वहाँ आपको मिल जाएगा। लेकिन जो आपका रोल नंबर है वो मत डाल देना, मेरा तो 45 रोल नंबर है। नहीं भैया, उसके बाद आ जाता है आपको बेसिकली अदर डिटेल्स पूछ रहे हैं कि क्या आपको गैप ईयर है तो वो बता देना है, अगर आपने कोई बैकलॉग KTVT लगी है तो वो भी बता देना है, उसी के साथ साथ आपने पिछले 3 महीने में डेलॉयट में इंटरव्यू दिया है कि नहीं वो बता देना भाई। डू यू हैव एनी अदर ऑफर इन हैंड, अगर आपके पास है तो आप बता सकते हो, इंडियन सिटीजन हो, आर यू ओपन टू इंटर्नशिप, तो वो भी आप यहाँ पे पुट आउट कर सकते हो। आपके पास कोई प्रायर वर्क एक्सपीरियंस है, कहीं पहले से काम किया हुआ है तो वो भी आपको पुट आउट करना है। आर यू, क्या आप पहले से डिलॉयट में काम करते थे, वो भी चीज़ अगर आप डाल सकते हो कर रहे हो तो।
कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है कि नहीं। तो अगर आपने यहाँ पे बोला कि हाँ भैया है, तो फिर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी कि सर्टिफिकेट नेम क्या है, प्रोफिशिएंसी क्या है, नंबर आईडी फलाना एक्सेट्रा। एडिशनल सर्टिफिकेट किया है तो वो भी आप डाल सकते हो। अटैचमेंट क्या करना है, रेज्यूमे और प्रोफाइल फोटो। देखो रेज्यूमे में क्या बोला है, डॉक फॉर्मेट अलाउड है, टेक्स्ट फॉर्मेट अलाउड है, पीडीएफ फॉर्मेट अलाउड है। लोग इसमें अपना मस्त वाला इमेज डाल देते हैं। इमेज स्कैन नहीं होती भैया, एटीएस मशीन रिमूव कर देती है, इसीलिए 90% मैं कह रहा हूँ कि डॉक फॉर्मेट में डालो, और अगर उससे ज़्यादा कर पा रहे हो तो पीडीएफ। उसे बन इमेज में मत डालो, वहीं रिजेक्ट हो जाओगे। फिर बोलते हैं मेरे को आता नहीं है। भैया देखो सुमेर भाई ने बहुत तुम्हारे लिए रिसर्च की है कि क्यों रिजेक्ट हो रहा है, तो उसका रीज़न, वन ऑफ द रीज़न ये भी होता है, इसलिए डॉक फॉर्मेट में डालो और सही से रेज्यूमे अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन, एटीएस फ्रेंडली है कि नहीं, अलग अलग टूल होते हैं वो चेकआउट करके पुट आउट करना। फिर क्या, फोटो आप इमेज फॉर्मेट में डाल सकते हो, इसी के क्या कॉलेज की आईडी कार्ड है उसको भी आप फोटो खींच के डाल सकते हो। खत्म, आपको आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट कर देना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, सॉर्टेड है। अब बीएससी और बीसीए वालों का देख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं अपन बीएससी और बीसीए वालों का। क्लिक पे क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। देखो यार यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पे भी एसोसिएट एनालिस्ट का आपका जॉब रोल होगा। क्वालिफिकेशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। बोले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वही है कि आप 2024 में पास आउट होने चाहिए, 60% एग्रीगेट होना चाहिए, 6.5 सीजीपीए के इक्वल होना चाहिए। आप बीएससी कंप्यूटर से कर रहे हो या फिर आईटी रिलेटेड ब्रांच से कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो, और बीसीए वाले एलिजिबल है। पिछले 6 महीनों में आपने कोई भी डेलॉयट की कंपनी में अप्लाई नहीं किया रहना चाहिए। ओके, प्रोसेस बता देता हूँ, वही सेम 5 राउंड होने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन, शॉर्ट लिस्टिंग, ऑनलाइन असेसमेंट, ऑनलाइन इंटरव्यू। ये शॉर्ट लिस्टिंग में भाई मुंह उठा के फॉर्म मत भर देना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ अच्छे से फॉर्म भरना, और आपका रेज्यूमे एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए। तो कभी भी इमेज फॉर्मेट में मत डालना, डॉक फॉर्मेट में डालना या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में डालना। कुछ चीज़ें जो आपको भी पढ़ लेनी चाहिए वो है कि हाउ टू क्रिएट अ ग्रेट रेज्यूमे, इस पर क्लिक करोगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। डूज एंड डोंट देख लेना कि आप रिजेक्ट ना हो पाओ। असेसमेंट देख लेते हैं, जो यहाँ पे ऑनलाइन के अंदर क्या आने वाला है असेसमेंट में, वो चीज़ें क्या होने वाली है वो देख लेते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो अपने सामने खुलेगा ऑनलाइन असेसमेंट। कि पिछली बार आपने देखा था कि वहाँ पे 90 मिनट्स थी, यहाँ पे सिर्फ 75 मिनट्स है। वहाँ पे 65 क्वेश्चन पूछ रहे थे, यहाँ पे कितने 40 क्वेश्चन ही है और 2 कोडिंग क्वेश्चन है। सेक्शंस वही होने वाले, देखो लैंग्वेज स्किल्स मतलब इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, टेक्निकल स्किल्स, और आपको पूछे जाएंगे 2 कोडिंग क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन कम हो गए हैं। इंग्लिश में अपने को 8 MCQs पूछेंगे, 2 fill-in-the-blanks, 10 MCQs लॉजिकल रीजनिंग में और 10 quants में पूछे जाएंगे। 10 आपको MCQs पूछे जाएंगे, यही कंप्यूटर साइंस, डेटाबेस के कॉन्सेप्ट और वो सारी चीज़ों पे, और आपको 2 कोडिंग क्वेश्चंस तो यहाँ पे भी सॉल्व करने हैं भैया, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको सॉल्व कर सकते हो। बाकी जो भी सारी डिटेल्स है वो मैंने आपको पहले ही बता दी थी इनको एक्सप्लेन करते हुए, तो आप उतना तो सॉर्टेड हो। हायर प्रो करके जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे ये चीज़ें होने वाली है। अब इसका 2 मिनट में फटफट रजिस्ट्रेशन भी देख लेते हैं। जैसे ही आपने क्लिक किया तो आ जाता है ऑलमोस्ट 90% रजिस्ट्रेशन, मुझे लगता है कि सेम ही होने वाला है। मैं क्लिक पे जाता हूँ। ओके, वही फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, ईमेल एड्रेस, आप डिटेल्स डाल सकते हो, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन वही बताना, ऑलमोस्ट पूरा सेम ही है रे जितना मैं बता पा रहा हूँ। ग्रेजुएशन, गैप ईयर, जो सारी चीज़ें मैंने बताई वो सारी चीज़ें यहाँ पे एज इट इज़ आपको सेम मिली। जो रजिस्ट्रेशन बताया वो कर लेना है, तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, सॉर्टेड है। तो अब यार लेट मत करो इसके लिए, अप्लाई करो लेकिन सोच समझ के अप्लाई करो, ऐसे ही मुंह उठा के मत डाल दे के डाल दो। अभी का अभी नहीं हो रहा है, रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा लेट करोगे, रात को करोगे तो हो जाएगा, इतना क्लियर। तो भैया ये थी आज की वीडियो। यार थोड़ी पूरी कोशिश की है कि आपको डिटेल में चीज़ें बताएं, फिर भी अगर कुछ छूट गया रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि सुमेर भाई ये भी कवर कर लिया करो, तो मैं कवर कर लूँगा। अगर आपको इसका डिटेल पीडीएफ चाहिए इसके सिलेबस का, तो आई वांट पीडीएफ, कमेंट करो, 100 कमेंट चाहिए भैया फटफट, और अपनी जनता तो है कर लेगी। इस वीडियो की लाइक टारगेट भी है 1500 लाइक, तो फटफट कर दो, और LMT की टेलीग्राम कम्युनिटी फटफट ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर रोज़ जॉब अपडेट आती है, वहाँ पर पीडीएफ भी आने वाली है, तो उसको मिस आउट मत करो। और ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को सारे दोस्तों में शेयर करो। Thank you so much and have a nice day.